जी बन गए तेरा प्रभु जी,
संडे के दिन पूरे हफ्ते भर में लोग अलग अलग प्लान्स बनाते हैं। हाँ छुट्टी है, गार्डन जाएंगे, अरे आज संडे है चलो मूवी देखने जाएंगे, अच्छा आज गवर्नमेंट हॉलीडे है चलो मॉल में जाएंगे। अलग अलग जगह पे लोग पिकनिक जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, और वो आनंद जो है वो क्षण भर का आनंद है, कुछ समय के बाद वो आनंद चला जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है, कलीसिया मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया मतलब आप और मैं जहां यीशु के नाम से जमा होते हैं, बाइबल बोलता है वहां पर परमेश्वर की हुजूरी होता है, और जब वो हमारे बीच में होता है तो वो अपना आनंद हमारे ऊपर मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जब मसीह भाई बहन जब यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, एक मन के साथ जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर अपने आनंद हमारे ऊपर कुंडलता है। और यीशु मसीह ने क्या बोला, जो संसार देता है, जो संसार की चीजों में आपको आनंद मिलता है, जो संसार की बातों में आपको शांति मिलता है, कुछ फल क्या है, वो शांति मैं नहीं देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो शांति समझ के परे, मतलब किसी किसी बात में हम बोलते हैं ना, चीज को समझ भी नहीं आती, समझ के परे मतलब क्या, हमारे मनुष्य के बुद्धि उस शांति को समझ नहीं सकता है। तूफान में भी, आंधी में भी, तकलीफ में भी आप मगन रहेंगे, क्यों, आपको पता है परमेश्वर ने अपना शांति दिया है, आपको पता है यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, अब आपके शांति मतलब क्या है, दुख की गहराई में भी वो दुख आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो तकलीफ समस्या आपके ऊपर हावी नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का शांति आपके ऊपर हावी होगा। घोर मृत्यु के तराई के तराई से भी मैं क्यों ना गुजरू, मैं ना डरूंगा, बाइबल का वचन कहता है, क्यों, क्योंकि वो वहां पर मेरे साथ है। हालेलुया, जब वो साथ है, संसार के कोई भी बात हमें दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका आनंद सदा का आनंद है। हालेलुया, इसलिए उस आनंद के लिए, उस हुजूरी के लिए, उस उपस्थिति के लिए हमें कहना है, यहोवा मुझे इस संसार की बातें नहीं, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, क्योंकि तू ही जीवन दे सकता है, तू ही मेरे हालातों को बदल सकता है, तू ही मेरे जीवन में आश्चर्य के कार्य कर सकता है, तू ही मेरे हृदय को बदल सकता है। तो जो परमेश्वर ने आप और बड़े मुझे चुना है, जो परमेश्वर आपको मुझसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर ने केवल वचन में लिखा हुआ नहीं है, केवल बोल दिया ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर को जितना हम चखते जाएंगे, जितना हम उसके ऊपर प्रेम करते जाएंगे, भरोसा करते जाएंगे, उतना हर दिन उसके प्रेम को महसूस कर पाएंगे। हालेलुया, वो कहता है मैंने अपने हथेलियों के लिए तुम्हें घोर बनाया है। परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, पृथ्वी उसके पैर रखने का चौकी है, इतना विशाल परमेश्वर बोलता है कि मेरे हाथ में तुम बनाए हुए हो, मेरी नजर में तुम हो, कोई भी शैतान, कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत, मुसीबतें आप और मुझे कभी भी गिरा नहीं सकता, जब जब ये हुआ कि नजर आप पर मेरे ऊपर, और वो नजर, वो अनुग्रह, वो दया कब हम पाएंगे, जब हम कहेंगे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा संपूर्ण मन से मैं तुझे चाहता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा सब कुछ है। जब हम यीशु को कहते हैं और विश्वास करते हैं, उसके राह पर चलते हैं, तो ही वो अनुग्रह आप मेरे जीवन में सदा है। हालेलुया, ये समय हम पूरे आत्मा मन से कहे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तू आ मेरे जीवन में, ओ प्रभु मेरे घर में, मेरे जीवन के हालात में तू शांति लेकर आ, तू खुशी लेकर आ, तू आनंद लेकर आ, मेरे दिले में जीवन को तू सही कर प्रभु, सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब यीशु मसीह आए अपने चेलों को, यानी कि मछुरे लोग जो मच्छी मारने वाले लोग थे, उनके पास गया, मेरे पीछे हो रहे, उन्होंने सब कुछ उधर छोड़कर जो हालत में होते वही हालत में यीशु के पीछे हो गए। हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी ठहरा कर अच्छा बनाकर आने की जरूरत नहीं है। जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारे हालात है, जो भी चीज में हम है, वही चीज लेकर प्रभु के सामने आना, प्रभु ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा परिस्थिति है, ये मेरा हालात है, मैं तेरे सामने से डाता हूँ, इसे तू प्रभु संपूर्ण कर दे, बदल दे, आशीष दे, बरकत दे, संगाई दे, शांति दे, खुशी दे। जब हम प्रभु के सामने समर्पण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। ये सब जन अपनी आंखों को बंद करे, सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए यहोवा से कहे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। हर एक जन आत्मा में हमारी आवाज नहीं, वो हमें से हर एक की आवाज हमारे युवा के लिए बड़ी पाए।
प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपनी हाथों में खुद मेरी सूरत है। Yeah, oh.
बदलने वाला, जो था जो हूँ जो सर्वदा एक समान रहूंगा, वो मैं तुम्हारा पिता हूँ, वो तुम्हारे परमेश्वर हूँ। आपको पता है उसने हमसे कब प्यार किया? जब हम अपने अपने पाप में खोए हुए थे और उसको जानते भी नहीं थे, उस समय में वो परमेश्वर आकर आप और मेरे लिए क्रूस पर मरा। उसका प्रेम, उसका प्यार आप और जो मेरे लिए है, वो कहीं पे भी हम पा नहीं सकते हैं, कहीं पे भी नहीं पा सकते हैं। लेकिन वो परमेश्वर ने जब हम उसके विरुद्ध थे, उस समय हमसे मोहब्बत किया, हमें अपना बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया। हालेलुया। और इससे आशीषित, इससे सबसे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई नहीं हमारे जीवन में, कि यहोवा परमेश्वर ने आप और मुझसे प्रेम किया है। तो आइए ये समय हम सारी महिमा हमारे यीशु मसीह को दें, सारा आदर उसको दें, कि वो परमेश्वर हमारे बीच में है। तो आइए हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो जो हाथों को उठाना चाहते हैं, जो खड़े होना चाहते हैं, जो घुटने में आना चाहते हैं, जो बैठना चाहते हैं, जहां पे भी हम हैं, केवल हम उसके नाम को महिमा दें, सम्मान दें, स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमारे बीच में है। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा, सारी महिमा।
सवाल दिल में। सजन कहे दिल के करीब मेरा यीशु और नहीं दूजा। Thank you.
तू वफादार, तू ईमानदार, तू ही सच्चा खुदा है। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं। लौटते हुए अक्सर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम हर एक कोई ना कोई चाह हमारे अंदर होती है, कोई ना कोई प्रार्थना होती है कि आप प्रभु के भवन में आए हैं। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये जरूरत है, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे तू चंगा कर। प्रभु मैं मुश्किलों में हूँ, परमेश्वर मुझे इन मुश्किलों से बाहर निकाल। प्रभु मेरी परिस्थितियां इतनी विपरीत है, प्रभु मैं आज आया हूं, मुझे लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। हम सब इन प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन में मुश्किलें हैं और परमेश्वर कहता भी है कि मेरे पास तुम अपनी सारी विनतियों को लेकर आओ, सारी प्रार्थनाओं को लेकर आओ, क्योंकि हमें अपने जीवन में इनसे आजाद होना है। ये प्रार्थनाएं करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको तुम मेरे पास लेकर आओ। मेरा तुम्हारा जो पिता है वो जानता है, पर वो चाहता है कि हम ये प्रार्थनाएं करें। पर एक प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब सिखाई तो उन्होंने कहा कि ये इस रीति से तुम अपने जीवन में प्रार्थना किया करना। एक प्रार्थना जो इन सारी प्रार्थनाओं से हमारे जीवन में प्रायोरिटी में हो, जो पहले स्थान में हो। आज हम उस प्रार्थना के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या है। प्रार्थना मत्ती 6:9 में यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारी पहली प्रार्थना ऐसी हो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना। ये पहली प्रार्थना यीशु ने अपने चेलों को सिखाई और ये हमारे जीवन की हर दिन की पहली प्रार्थना हो कि उस परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए। कभी कभी लगता है ना कि पवित्र होना इस संसार में सबसे चैलेंजिंग काम है। कैसे हम पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि तो हम इस संसार में जहां रह रहे हैं यहां इतनी चुनौतियां हैं, यहां इतनी मुश्किलें हैं, यहां इतने हमारे जीवन में चैलेंजेस है। तो पवित्रता वर्ड जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम पवित्र नहीं हो सकते, हम कैसे पवित्र बनेंगे, क्योंकि हम तो पापी हैं, हमारे जीवन में हम इतनी कमजोरियां हैं, हमारी इतनी मुश्किलें हैं। पर हमारा परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम पवित्र बनें। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए उन्होंने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई ना, उन्होंने बोला तुम्हारी इस रीति से तुम प्रार्थना करना और कैसे शुरुआत करना प्रार्थना की कि हे हमारे स्वर्गीय पिता। क्या बोलता है वो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और एक पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15-16 वचन देखेंगे। आइए उसे पवित्र शास्त्र खोलेंगे, कोई पढ़ेगा एक पत्रस उसका पहला अध्याय 15-16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे जान चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें इस संसार में प्रभु की महिमा के लिए पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें बनना है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी और पवित्र ठहराया है, पर जो ये नई जिंदगी दी है, इस जिंदगी में हर दिन हमें पवित्र बनना है ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो सके। हम हर दिन बनना है, बड़ी चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जो अंदर है ना, एक बीज डाला गया है,
कौन सा बीज? एक अविनाशी बीज। एक पत्रस 1:23 में लिखा है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक अविनाशी बीज बोया जाता है, एक सदा ठहरने वाला बीज हमारे अंदर डाला गया है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, तो क्या होता है, वो बीज हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। आपको मालूम है हमारे अंदर एक प्रेम का बीज डाला गया है, एक अच्छाई का बीज डाला गया है। कई बार हम कहते हैं हम कैसे प्रेम करें, वो बीज हमारे अंदर डाला गया है, वो अच्छाई का बीज हमारे अंदर डाला गया है, हमें सिर्फ उस पर काम करना है, उसको पानी देना है हमें। और वहां पर हम देखेंगे ना, हमारे जीवन में जब बीज बोया जाता है तो बहुत सारी और घास भी उगती है साइड में। उस घास को हर दिन उखाड़ना है अपने जीवन से और उस बीज को पानी देना है, ताकि वो बीज हमारे जीवन में बढ़े, उसमें हमें काम करना है। बहुत सारी हमारे जीवन में घास उगेगी, बहुत सारी। अब जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, आस पास इतनी घास उगेगी, हर दिन हमें उसे वहां से उखाड़ना है, उसे निकालना है और इस बीज को पानी देना है। जब हम पानी देंगे ना, तभी हम पवित्र बन पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि जो जिंदगी उस परमेश्वर ने हमें दी है, इस जिंदगी से हम उसकी महिमा कर सके। एक फिलिपियों की पुस्तक उसका 3:13 यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, वो कह रहा है, भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं क्या पकड़ चुका, परंतु केवल एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया है। वो क्या बोल रहा है, जो बातें पीछे रह गई उसे हमें क्या करना है, छोड़ना है, उन्हें भूलना है। बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं उन पुरानी बातों को हमें छोड़ना है और आगे बढ़ना है। बहुत सी पुरानी बातें होंगी, बहुत सी मुश्किलें होंगी, बहुत से दुख होंगे आपके जीवन में, आप उनको पकड़ कर नहीं चल सकते। बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपके लाइफ में, बहुत सारे आपको ठेस पहुंची होगी। यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है, मैं तो सारी बातों को छोड़कर सिर्फ एक काम है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर ये जिंदगी में हम चाहते हैं कि हम उस निशाने तक पहुंचे, उस सिद्धता तक पहुंचे, तो हमें सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम सब चाहते हैं भली चीजें हमारे जीवन में, कितने लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं, सबको चाहिए आशीष है ना, सबको भली बातें चाहिए अपने जीवन में। परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं, मेरे राज्य की खोज करो तो सारी बातें तुम्हारे जीवन में जुड़ती चली जाएगी। जो संसार है ना, ये भी खोजता है इसको। यहाँ ये जो वचन आप पढ़ेंगे ना, मत्ती 6 अगर आप खोलें उसके 31-33 में, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, तुम इस बात की चिंता मत करना, ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि ये संसार इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहता है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। उसको पता है ये संसार सिर्फ एक ही खोज में है कि क्या पहने, क्या खाएं। हम जहां जाएं आज यही सब जगह यही जीवन में है, कैसे हम पैसा कमाएं, कैसे हम अच्छा जीवन जिए, हम सबको करना है। परमेश्वर कह रहा है ये आवश्यकता है, मैं जानता हूं, पर वो कह रहा है अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। आपको इन चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अपने जीवन को सही करो, अपने जीवन को मेरी नजर में सही बनाओ। पवित्रता एक ऐसा विषय है जिस पर कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पवित्रता की जब बात आती है तो लगता है कि अरे फिर तो मेरी इतनी कमजोरियां हैं और मैं कैसे परमेश्वर की नजर में पवित्र हो पाऊंगा, और अगर मैं पवित्र बनने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार के आनंद को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी हमें संसार का आनंद हम छोड़ना नहीं चाहते, हमें लगता है पवित्र बनना है ना तो ये संसार का आनंद छूट जाएगा, इसलिए कई बार हम चाहते भी नहीं है, उस पर कोशिश नहीं करते कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमें लगता है ये दुनियादारी, ये संसार का आनंद, ये जो मेरी चाहते हैं, ये सब छूट जाएंगे, सब रह जाएगा यहीं पर। यहाँ परमेश्वर क्या, पौलुस क्या बोल रहा है, पुराना छोड़कर मैं सिद्धता की ओर भागा चला जाता हूँ, भागा चला जाता हूँ। पुराने जीवन की आदतों को हमें छोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। हम कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं बदल सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, और परमेश्वर को मैं पसंद हूं। मैं आपसे कह रहा हूं ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जिसमें आप फंसे हुए हो, कि मुझे नहीं बदलना, मैं जैसा हूं ठीक हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है तुम जैसे हो मुझे तुम पसंद हो। पर ये बहुत बड़ा, मैं आपसे कह रहा हूं, ये छलावा है शैतान का, एक झूठ है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। नहीं, हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। वो चाहता है हम बने,
शैतान क्या करता है, झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। योन्ना 10:10 क्या बोलता है, चोर किस लिए आया, चोरी करने के लिए, उसका एक ही काम है, वो हमारे जीवन में चाहता है कि नाश हो। और परमेश्वर किस लिए आए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, और अनंत जीवन पाना है तो परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। शैतान बोल रहे तुम कुछ भी मत बदलो, जैसे हो वैसे ही रहो, हमारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, बदलने की क्या जरूरत है। शैतान ने ऐसा फंसा के रखा है क्योंकि वो चाहता है कि हम उलझे रहे उसी जीवन में, उन्हीं पुरानी लड़ाइयों में, उसी पुराने जीवन में, उसी पुरानी आदतों में हम ना बदले, और फिर हमारा जीवन भी ना बदले, और हम रोते रहे प्रभु मैं तो तेरे पास आता हूँ, प्रभु मैं तो कलीसिया में गीत गाता हूँ, प्रभु मैं तो आराधना में हूँ, मैं तो तेरे वचन को मैं प्रभु सुनता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ ये आराधना, ये हर दिन का जो वचन, अगर हम हर दिन पढ़े, और कई बार हम कहते हैं मैंने एक चैप्टर हर रोज पढ़ा, हम एहसान नहीं कर रहे परमेश्वर पे, हम एक चैप्टर पढ़ते हैं। ये वचन और ये आराधना, ये हमारे जीवन को बदलनी चाहिए, ये जीवन को बदलनी चाहिए, हमारा कलीसिया में आना हमारे जीवन को बदलना चाहिए। अगर हम सालों आके गीत गाएं, हर रोज का मैं एक चैप्टर पढ़ता हूं, पर मेरा जीवन नहीं बदल रहा, इसका मतलब है कि ये चीजें तुम्हारे जीवन में काम नहीं आप करने दे रहे, आप तो काम नहीं करने दे रहे, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप कह रहे मैं जैसा हूं वैसा हूं, ये काम ही नहीं कर रहे आपके जीवन में, तो क्या जीवन बदलेगा, नहीं बदलेगा। और परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम क्या बनो इस धरती पर मेरे नमक बनो, बोलता है यीशु मसीह, कहते हैं तुम पृथ्वी पर मेरे नमक हो। नमक मालूम है आपको, नमक क्या करता है, नमक खाने में नहीं हो तो क्या होगा, खाने का स्वाद चला जाए, ज्यादा डाला तो स्वाद चला जाए, पर नमक सही मात्रा में डालना चाहिए, नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरा नमक हो, मतलब इस संसार में जहां तुम जाओ तुम्हारे जीवन से लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ना चाहिए। पर आज आपको हमें यह जांचने की जरूरत है, क्या मेरे जीवन से मेरे घर में प्रभाव पड़ रहा है, क्या मेरे जीवन से इस समाज में प्रभाव पड़ रहा है, क्या मेरे जीवन से जहां मैं इस कलीसियाओं में प्रभाव पड़ रहा है। आज हमें जांचने की जरूरत है क्या मेरा जीवन बदल रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, पवित्र क्यों बनो, क्योंकि अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम कहीं इतने सालों प्रभु में है, पर जो जा रहा है कलीसिया में उसका जीवन नहीं बदला तो वो कैसे दूसरों का जीवन बदले। हम कहते हैं हमारे बच्चे बदले, हमारे बच्चे बदले कहते हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ बच्चों को आप बदल कर देखो, आपको बदला हुआ देखेंगे ना तो आपके बच्चे बदलेंगे। उनको मत बदलो कि वो बदले, आप बदली हुई जिंदगी जियो कि वो बच्चे बदले। आपके घरों में आपने बदलाव दिखना चाहिए, आप भी घर में घुसते हो तो वैसे ही आपका स्वभाव, आपका भी आचरण, बच्चे क्यों बदलेंगे, बोलेंगे मेरा पिता तो सालों से कलीसिया में जाता है पर ये तो बदला ही। हमारा जीवन जब तक नहीं बदलेगा हम लोगों के जीवन में प्रभाव डाल ही नहीं सकते, और अगर हम लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो हमारा तो फिर परमेश्वर के पीछे चलना ही व्यर्थ है, फिर क्या फायदा। अगर मेरा जीवन नहीं बदला मैं प्रभु के पीछे चलने के बाद, तो मैं कैसे आयुष को बोलूंगा कि आयुष तुम प्रभु के पीछे चलो। मेरी बदली हुई जिंदगी को देखकर, मेरे जीवन को देखकर एक दिन उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है और मुझे इसके पीछे चलना है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मेरे पिता को बदला वही मुझे बदल सकता है। और यही बात परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। पवित्रता के बारे में हम कई बार बात करते हैं, सोचते हैं अरे ये विषय ही बहुत ही, मैं कैसे पवित्र बनूं ब्रदर, मैं तो पापी हूं। हम इतना आसानी से बोलते हैं, यीशु क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पापों से तुम्हें क्या किया है, छुड़ाया है, अब तुम ज्योति की संतान हो और अब तुम ज्योति में चलो। अगर हम ज्योति की संतान है, हम अगर रोशनी में है तो रोशनी हमारे जीवन से अपने आप दिखनी चाहिए ना, पर यहां यीशु क्यों बोल रहे हैं कि ज्योति में चलो, इसका मतलब है कि रोशनी अपने आप नहीं दिखेगी, उस पर काम करना होगा ताकि उसका उजियाला हमसे चमके, हमसे दिखना चाहिए, हमसे दिखना चाहिए, हमारे परिवार से दिखना चाहिए कि क्या मेरा जीवन प्रभाव डाल रहा है, क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, क्या मेरा जीवन बदल रहा है। आज हम लोगों को अपने जीवन में हमारी कमियों पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं, और हमारी कमियां संसार को दिखती हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो यीशु में है पर इनके जीवन ही नहीं बदला, तो कैसे ये बता रहे हैं कि यीशु के पीछे चलो। हमारा जीवन प्रभाव डालना चाहिए, आपका जीवन आपके घर में प्रभाव डालना चाहिए, आपका जीवन आपके बच्चों में प्रभाव डालना चाहिए। हम नमक बनकर पहले घर में स्वाद लाएं, इस समाज में स्वाद लाएं। बाइबल कहती है कि लिखा है अय्यूब जब लोगों के साथ बैठता था ना लोग आनंद से भर जाते। क्या आप जहां बैठते हैं वहां पर आनंद का माहौल आता है। आज हमें ये समझने की जरूरत है क्यों मेरा जीवन नहीं बदला, क्योंकि मैंने कभी भी उस पवित्रता की चाह नहीं। और परमेश्वर कहते हैं मेरे पवित्रता के खोजी बनो,
खोजी बनो मेरे पवित्रता में, क्योंकि उसकी हम खोजी नहीं बनेंगे हम कभी परमेश्वर को नहीं देख सकते। और परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, ये दो कुरिन्थियन खोलेंगे हम उसका 7वां अध्याय और 1वां वचन, कोई पढ़ेगा? दो कुरिन्थियन उसका 7वां अध्याय और उसका 1वां वचन, यहां पर लिखा है, अतः हे प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या लिखा है यह वचन, क्या बोल रहा है? हमें कई बार इन वचनों को बड़े ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। कई बार हम पढ़ते हैं वचन, वचन चला जाता है। यहाँ क्या लिखा है, हे प्रियो जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हम कहते हैं हमको शुद्ध है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं हमें शुद्ध करना है। किसको करना है? शरीर को करना है, इस शरीर में बुराई है, इस मन को करना है। और क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहां पर लिखा है अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है तो हम पवित्र नहीं बन सकते। हमारे जीवन में परमेश्वर का आदर युक्त भय होना बहुत जरूरी है। और कैसे हम आदर युक्त भय परमेश्वर का हमारे जीवन में हो, इसका सबसे बड़ा ये हमारे जीवन में चेक कर सकते हैं, क्या परमेश्वर जो हमें कहता है हम वो करते हैं? परमेश्वर कहता है ये बातें तुम्हें करनी है और ये बातें तुम्हें नहीं करनी है, और जो नहीं करनी है वो हमें कहता है ना, तो हमें नहीं करनी, और उसके लिए हमें परमेश्वर से कोई सवाल भी नहीं करना है। हमारे बच्चों को कई बार हम सिखाते हैं ना कि ये मत करो, ये मत करो, तो वो बोलते क्यों ना करो। कई बार हम उसको जवाब नहीं देते और हमारे बच्चों को कोई हक भी नहीं है कई बार पूछने का कि क्या जवाब है, क्योंकि हम जानते हैं ये नहीं करेंगे तो इसमें उनकी क्या है, भलाई। यही हमारा परमेश्वर चाहता है। अगर उसका आदर भय है ना आपके अंदर, तो वो बोलेगा ये नहीं करना है तो आपको नहीं करना है, आपको समझ आए या नहीं आए आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है और अगर आप ये करोगे तो आप फंस जाओगे। ये है आदर युक्त भय। और जब तक ये हमारे अंदर ही नहीं आएगा, हम परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं देंगे अपने जीवन में, हम पवित्र नहीं बन सकते। हम पवित्र किसी चीज से नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का आदर युक्त भय नहीं है, जब तक हम उसको पहला स्थान नहीं देते, तो हमारे जीवन में कभी कुछ बदलाव नहीं आएगा। हम सालों प्रार्थना करवाएं लोगों से, हम बोले कि हम मुश्किलों में हैं, हम दुखी हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम तो फसावट में हो, तुम तो परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, परमेश्वर का भय नहीं है। यहां बोलते हो कुछ, अपने जीवन में करते हो कुछ, हमारा जीवन दोगला है। परमेश्वर कह रहा है नहीं करना है तो नहीं करना है, परमेश्वर कह रहा है करना है तो करना है, हमें समझ आए या नहीं आए, हमें ना परमेश्वर ने बोला तो नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको समझ नहीं आए कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को बहुत बार आयुष सुशांत को बहुत कुछ समझ नहीं आता, पर हम कहते हैं ये उसे नहीं करना। कई बार बोलते हैं क्यों, तभी भी हम कोई रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि हमें पता है इसमें उनकी भलाई है। और यही आदर युक्त भय परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है, और इसलिए वो चाहता है इस जीवन को हम उसकी इच्छा के मुताबिक चले, उसकी आज्ञा में चले। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं जब एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 18.5 साल का था, 3-3.5 साल मैंने वहां बेंगलोर में ट्रेनिंग की। उस ट्रेनिंग में कई बार हमें ऐसी चीजें कराई जाती थी जो हमें कुछ समझ ही नहीं आती थी। हम कहते थे ये क्यों करा रहे हैं हमसे, हमें क्यों सुबह 5 बजे भगाते हैं, हमें क्यों ये इसके बाद बोलते ये काम करो, उसके बाद बोलते ये काम करो, इसका तो हमारे जो आगे जॉब से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी वो कराते थे हमसे और हम करते थे, हम उनसे पूछते थे, पर हमारे पास वो बोलते थे आपको ये करना है, क्योंकि वो हमें उस अनुशासन में ढालना चाहते थे कि उसके बाद हम कहीं भी जाएं, चाहे हम रेगिस्तान में जाएं, हम पहाड़ों में जाएं, हम मुश्किल जगह पर जाएं, हम हर जगह जो वो बोले हम वो करें। और अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, अगर युद्ध आ जाएगा तो क्या होगा, हम बोलेंगे मैंने ये नहीं करना है, तो सिर्फ मेरी, मैं अपने प्राण नहीं खोऊंगा, कईयों की मैं प्राण गवाऊंगा वहां अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। यही हमारे जीवन में है, हमें परमेश्वर बोल रहा है ये करना है तो हमें करना है। यही आदर युक्त भय ये हमारे जीवन में होना जरूरी है, और इसके लिए हमें हर दिन मेहनत करनी है, इसमें अपने आप को ढालना है, हमें सही लगे या ना लगे। आपके अंदर प्रभु का भय होना जरूरी है। परमेश्वर कहता है आपको ये करना है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर हूं, आपको देना है। मैं आपसे कह रहा हूं सारी जरूरतें आपके जीवन की जुड़ती चली जाएंगी, और अगर हम सिर्फ जरूरतों के लिए भागते रहेंगे ना, सारे जीवन हम भागते रहेंगे, हमें कुछ मिलेगा फिर हम भागेंगे, हमें कुछ मिलेगा और हम भागते रहेंगे। पर जिस दिन हमने ये जान लिया ना कि परमेश्वर के पास सब कुछ है,
उसके पास जीवन है, मैं उसकी बात को मानूंगा, वो उसका आदर, वो उसको पहला स्थान देना आपके जीवन को बदल देगा। मैं आपसे कहता हूं ऐसी चीजें आप सालों अपनी मेहनत करो, वो दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे अगर आप अपने जीवन में उसकी इच्छा के मुताबिक चलते हैं ना, और चलते रहते हैं, एक दिन वो दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोलते हैं। सालों आपकी मेहनत से नहीं खुल सकते, सालों, और परमेश्वर पल अब झपकते खोल सकता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, पर वो उनके लिए खोलता है जो अपने आप को उसकी नजर में सही करना चाहते हैं, जो इस मलिनता से निकलना चाहते हैं, वो ऐसे दरवाजे खोलेगा। मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी जिंदगी में जब वो दरवाजे खुले हुए देखोगे ना, आप कहोगे अरे मैं तो इसके लायक नहीं हूं, ये कैसे हो गया। वो परमेश्वर पलक झपकते वो कर देगा आपके जीवन। पर इसके लिए क्या है, हमें उसकी बातों को प्रायोरिटी देनी है अपने जीवन में, उसे पहला स्थान देना है, और कुछ नहीं है हमारा कर्तव्य। एक राजा था बाइबल में जिसका जिक्र है, बहुत ही बुद्धिमान राजा, सब जानते हैं, एक बुद्धिमान राजा, राजा सुलेमान, बहुत ही बुद्धिमान। सभोपदेशक ना जरूर पढ़ा करो अपने घर में, जो भागते हैं ना कई बार हम कामों के पीछे, वो राजा ने बहुत कुछ किया। बाइबल कहते परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, सभोपदेशक में लिखा इतनी बुद्धि दी, परमेश्वर का भय मानने वाला था, इतनी बुद्धि दी कि उसने इतने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर का इतना बड़ा भवन बनाया। पर उसके बाद क्या किया उसने, उसने अपने बनाना शुरू कर दिए, अरे मैं अपने महल बनाता हूँ। उसने बहुत सारी पत्नियां रखी, बहुत पैसा, सब कुछ सोना सोकत, और वो लास्ट में क्या बोलता है, खोलिए मेरे साथ सभोपदेशक 12वां अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। सभोपदेशक हमारे जीवन में हर दिन पढ़ने की जरूरत है, जब मौका मिले पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखता है वो, सभोपदेशक 12वां अध्याय 13वां वचन, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या बोल रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं, सब कुछ मैंने देख लिया करके, पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि, हाँ, और उसकी सारी बातों को मानना है। वो बोल रहे हैं सारी बातों को, ये नहीं कि मेरे को कुछ सही लग रहा है मैं वो मानूंगा, बाकी बातें मैं नहीं मानूंगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, सारी बातों का मान, और हमारे जीवन से हम उसे महिमा देनी है। कैसे बनेंगे हम, कहे जो प्रभु हमें कह रहे हैं हमें वो करना है, सही लगे या नहीं लगे। और आप याद रखिए, अगर आप सही कर रहे हो ना और आप गलत कर रहे हो, दोनों का वो न्याय करेगा। इसी का अगला वचन पढ़ेंगे, सभोपदेशक 12वां अध्याय 14वां वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्या बोले परमेश्वर, अच्छी करोगे उसका भी न्याय है, पर बुरी करोगे उसका भी न्याय। और हमारा परमेश्वर कहाँ बैठा है, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वहां से सब देख रहा है। कभी कभी लगता है हमारा परमेश्वर कहाँ है, अरे वो सिंहासन पर बैठा है, वहां से वो देख रहा है। अच्छी बातें उसके लिए करोगे ना, कोई नहीं देखता, वहां से उसको प्रतिफल मिलेगा। और बुरी करोगे अंदर से, आपको लगेगा मेरा जीवन नहीं बदल रहा, क्योंकि वो तो न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो चाह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास जब आऊंगा तुम पवित्र बनकर आओ, तुम जान लो कि मेरे सिवाय तुम्हारी भलाई है भी नहीं। आज हमने गीत क्या गाया, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि उसके सिवाय और कहीं हमारी भलाई नहीं है। कोई आंसर नहीं है आपके सवालों का किसी के पास नहीं है। आप मुश्किलों में फंसते हो, आंसर है किसी के पास, खुद भी ढूंढते हो नहीं मिलता, कहीं से भी कहीं नहीं मिलता, और परमेश्वर के पास हमारे सारे सवालों का जवाब है। पर वो एक बात चाहता है, जब मेरे पीछे चलो जैसा मैं पवित्र हूं वैसा पवित्र बनो। इस पुराने जीवन को छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है, सब कुछ छोड़कर। अगर वो चाहते हैं वो जीवन का स्वभाव, वो उसके आपकी एडिक्शन वो नहीं छूट रही है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। वो परमेश्वर कहेगा ना हाँ तो हाँ, वो कहेगा नहीं तो नहीं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या हो, पहले स्थान पर हो, और अगर आप उसकी बातों को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और पवित्रता में जीते हैं, आप जानते हैं अपने जीवन में परमेश्वर क्या कर सकता है। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण, आज हम वहां से देखेंगे 5वां अध्याय, खोलिए आप मेरे साथ। कि जब आप परमेश्वर को आदर करते हैं, जब आप उसको पहला स्थान देते हैं, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलने का यत्न करते हैं, क्या होगा आपके जीवन में। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 29वां वचन हम पढ़ेंगे, 5वां अध्याय 29वां वचन, कोई पढ़ेगा जोर से। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे, कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। क्या परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे भय
मानोगे तो क्या होगा, सिर्फ आपकी भलाई ही होगी, आपके बच्चों की भी भलाई होगी। कितने लोग अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं हो पाती भलाई। यह परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलते रहोगे, जिससे वो क्या बोल रहा है, तुम्हारा और तुम्हारे वंश की भलाई होती रहेगी। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका 9वां वचन लिख लो, ये अंडरलाइन कर लो अपने जीवन के लिए, अगर आप चाहते हो आपका भला हो, आपके बच्चों का भला हो। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन कोई पढ़ेगा? इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। क्या बोल रहा है परमेश्वर, हजार पीढ़ी तक अगर जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को ना कुछ और मत सिखाओ, परमेश्वर की आज्ञा पालन सिखाओ। बहुत कुछ हम सिखाते हैं ना कि वो बुद्धिमान बन जाए, उनको परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सिखाओ, उसको आदर करना सिखाओ, परमेश्वर का परमेश्वर का भय रखना सिखाओ। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं हजार पीढ़ियों तक मैं उन पर करुणा करता रहूंगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 2वां वचन ये आप सबके लिए आशीष वचन है, अगर आप उसका भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 2वां वचन और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसके उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। परमेश्वर कह रहा है तू तेरा बेटा तेरा पोता मेरी आज्ञाओं पर मानोगे तो बने रहोगे। तुम हम सब बने रहना चाहते हैं ना, वो कह रहा है इसके सिवाय मैं और तुमसे कुछ नहीं चाहता। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसका 12वां और 13वां वचन परमेश्वर कह रहे हैं बस मैं ये ही तुमसे चाहता हूँ। पढ़िए कोई, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसका 12वां और 13वां वचन अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। क्या बोले परमेश्वर, बता रहे हमें हमारे पास हमारे को आशीष चाहिए ना, भलाई चाहिए ना। परमेश्वर आज ये बता रहे हैं, कह रहे मैं इसके सिवाय तुमसे और क्या चाहता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान, उसके मार्ग पर चल, उससे प्रेम रख, पूरे मन से पूरे प्राण से उसकी सेवा कर। परमेश्वर पूरे मन से चाहता है उसके पीछे चले, पूरे प्राण से। यही यीशु मसीह ने सिखाया ना, यही पहली आ गया ना, पूरे मन से पूरे प्राण से पूरी शक्ति से तू मेरे पीछे चले। और क्या चाह रहा है परमेश्वर हमसे, हम सब कुछ बाकी सब पूरी शक्ति से करते हैं, पर जब परमेश्वर की बात आती है ना तब हमारे, अगर हम उसकी बात नहीं मानते हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ हमारे अंदर उसका आदर नहीं और उसका भय नहीं है, तभी नहीं मानते। नहीं तो हम जिनका आदर करते हैं, हम अगर अपने बड़ों का भी आदर करते हैं ना तो हम उनकी बात भी मानते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं सही रीति में, वो जरूर उनकी बात मानते हैं, बट अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते तो समझ लो कि हम परमेश्वर का आदर है नहीं हमारे और भय है नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, क्योंकि आदर चाहिए, भय चाहिए, उसकी आज्ञा पर चलोगे तो पवित्र बनोगे, सारी आशीषें आपके जीवन में रहेंगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा गलतियां करते रहे और माफी मांगते रहे, वो तो दयालु परमेश्वर है, 20 बार भी गलती करेंगे वो माफ करेगा, पर हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज गलती की रात को माफी मांगी, वही गलती कल की रात को माफी मांगी, 20 दिन महीनों सालों वही गलतियां कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, ये परमेश्वर नहीं चाहता। वो कहता है इसको छोड़ दो, इसको बदल दो अपने जीवन को और नए बनो। परमेश्वर माफ करेगा मैं कहता हूं, पर जीवन नहीं बदलेगा, जीवन वही का वही रहेगा, क्योंकि क्या है कि हम नहीं बदल रहे हैं, इस मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहे, उसका प्रेम नहीं है, उसका आदर नहीं है, मन से उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं सब कुछ सौंप दो अपना खुदा के हाथ में और अपने जीवन को बदलता हुआ देखो कैसे वो काम करेगा। अरे आप यहां से निकलोगे कहोगे अरे ब्रदर पता मैं इस लायक नहीं था, पता ये ऐसे हो गया, आप ऐसी ऐसी गवाहियां बांटोगे, ऐसे ऐसे काम होंगे आपके जीवन में जो आपके बल से आपकी शक्ति से आप जीवन भर नहीं कर सकते, पर उसकी आत्मा के सामर्थ्य पर आप जीवन, ये वो परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। आज वो बता रहा है मैं एक चीज चाहता हूँ, क्या बोल रहा है, हे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। आज परमेश्वर कुछ आपसे नहीं चाहता, चाहता मेरी बातों को मानो, मुझे पूरे मन से प्रेम करो,
मेरे पीछे चलो तो मुझे आदर दो। झूठी बातों से पसंद नहीं आता हूँ, एक बात से खुश होता है सिर्फ आज्ञा पालन से, सिर्फ आज्ञा पालन से। मुश्किलों से आजाद होना है 2024 में परमेश्वर व्यवस्था विवरण में 5:29 व्यवस्था विवरण 7:9 व्यवस्था विवरण 6:2 व्यवस्था विवरण 10:12-13 परमेश्वर कह रहा है इसके सिवाय मैं कुछ नहीं चाहता कि तुम मेरा आदर मानो, मेरी बातों को मानो, मेरे पीछे चलो, जो मैं बोलता हूँ वो करो क्योंकि उसमें तुम्हारी भलाई है। अगर मैं मना करता हूँ तो उसमें भी भलाई है, नहीं तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पीछे चलो। इब्रानियों 12:14 में लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई कभी प्रभु को नहीं देखे। हम नहीं देख सकते परमेश्वर को अगर इस पवित्रता के हम खोजी नहीं होंगे, और हम इसकी खोज करनी है। परमेश्वर कह रहा है ये 2024 है ना हमारा खोजी होने का साल हो कि प्रभु मैं पवित्र बनूंगा। हर दिन प्रभु से कह रहा है प्रभु मुझे पवित्र बनना है, तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे। परमेश्वर कह रहा है उसकी आत्मा के द्वारा वो बीज हमारे अंदर डाला गया है, वो प्रेम का बीज, भलाई का बीज, वो सब कुछ हमारे अंदर डाला गया है, पर हमें उस पर काम करना है, हमें उसे पानी देना है और बाकी घास को, बाकी चीजों को उखाड़ कर अपने जीवन से फेंकना है। तब देखिए कैसे जीवन की जल की नदियां आपके जीवन से बह निकलेंगी। इतना जीवन आशीषित होगा, आपका जीवन लोगों के लिए आशीषित होगा। परमेश्वर कह रहे हैं मेरा नमक और मेरी ज्योति बनो, तुम्हें तुम्हारे जीवन से संसार में प्रभाव डालना है, यही रास्ता है परमेश्वर के आज्ञाओं को इस दुनिया तक लेके जाने का। अगर तुम्हारा जीवन प्रभाव नहीं डाल रहा है हमारा प्रचार भी व्यर्थ है, क्योंकि वो लोग कभी यीशु के पीछे नहीं आएंगे क्योंकि वो कहेंगे इनका जीवन नहीं बदला, इनके जीवन से कोई प्रभाव नहीं है, ये आप कभी खुद सही रास्ते पर नहीं चलते। आप लोगों को कभी बदल नहीं पाएंगे, ये वचन लोगों के लिए झूठा हो जाएगा क्योंकि आपने इस पर कभी काम नहीं किया। परमेश्वर चाहता है हम प्रभाव डाले, हम नमक बने, नमक नमक बने। नहीं तो बोल रहे तुम रोंदे जाओगे बिना किसी काम के। जो नमक में स्वाद नहीं होता ना वो खेत में भी काम नहीं आता है, सिर्फ फेंक दिया जाता है वापस। और परमेश्वर कह रहे तुम मेरी रोशनी बनो, अगर हम उसकी रोशनी है तो सिर्फ अपने आप ये उजियाला नहीं चमकेगा, इस पर हमें काम करना है। परमेश्वर कह रहा है मेरा उजियाला तुमसे चमके, क्यों बोल रहा है परमेश्वर? अगर अपने आप ही चमकता तो नहीं बोलता ना परमेश्वर, चमके वो बोल रहा है, मतलब इस पर हमें काम करना है, हमें पवित्र बनना है, हमें सही बनना है अपने जीवन में, तभी हम परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में काम करता हुआ दिखेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ, सिर्फ एक बात कि मेरा आदर यज्ञ तुम भया है, मेरी बातों को मानो। पवित्रता के खोजी हो, इसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। मेरी ये विनती है पौलुस कह रहा है जैसे कि हम 2024 में हमारे जीवन की ये प्राथमिकता हो, हम भी कहें यीशु ने प्रार्थना सिखाई कि प्रभु तेरा तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र होना चाहिए, मैं इस पवित्रता का खोजी बनूंगा। परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो पवित्र है हम पवित्र बने, ताकि हम उस खुदा की आशीषों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। हम आशीषों के बीच में चले जाएं, आपको मालूम है जब हम परमेश्वर को बह मानते हैं ना, उसकी बातों पर हम चलते हैं ना, हम आशीषों के बीच अपने आप पहुंच जाते हैं और आशीषों के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। आज परमेश्वर मुझसे आपसे यही चाहता, वो कह रहा है मैं इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहता, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहता। आइए हम अपने आप को इस खुदा के हाथ में सौंपे, हम प्रार्थना करेंगे कि 2024 में और अपनी सारी जिंदगी हम उस पवित्रता की खोजेंगे, अपने जीवन को हम बदलेंगे, हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, जो बीज हमारे अंदर डाला गया है उस पर हम काम करेंगे, उसको हम पानी देंगे और बाकी घास उस हर दिन उखाड़ कर हम खुद फेंकेंगे। किसी को नहीं करना है, ये हमें करना है। अपने जीवन में आशीष चाहिए तो हमें खुद काम करना है, बरकत चाहिए तो खुद काम करना है। ये हम प्रार्थना करें। खुदावन सामर्थ परमेश्वर, खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे लोगों से तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। दया का सागर प्रभु उस सिंहासन से आज भी तू अपने अनुग्रह को भेजता है परमेश्वर, आज भी तू हमें परमेश्वर उठाता है परमेश्वर, आज भी उस गड्ढे से बाहर निकालता है। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरे प्रेम के लिए खुदा, तेरी दया के लिए खुदावन परमेश्वर, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं परमेश्वर प्रभु। आज हम दुआ करते हैं प्रभु यहाँ बैठे हर एक जन पर परमेश्वर अपना अनुग्रह कर खुदा, परमेश्वर होने दे तेरे लोग तेरा भय रखे परमेश्वर, तेरे लोग परमेश्वर प्रभु तेरा आदर करे परमेश्वर, तू कहता मैं इसके सिवाय कुछ नहीं चाहता। प्रभु आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, होने दे हमारे जीवन में तेरा नाम पवित्र माना जाए परमेश्वर,
तेरा नाम पवित्र माना जाए खुदावंत परमेश्वर प्रभु। आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, हमें तेरी राहों पे चलना सिखा परमेश्वर प्रभु। ओ खुदावंत, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे परमेश्वर प्रभु, तेरा आत्मा हमारे जीवन में काम करे खुदा। और यहाँ पर बैठे हर एक जन के जीवन में खुदा, हम परमेश्वर तेरे कार्य को होता हुआ देखे परमेश्वर, तेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करता देखे, तेरी रूह उनके जीवन में कब्जा ले प्रभु, और तेरे लोग तुझे पहला स्थान दे परमेश्वर। आज हम दुआ करते प्रभु तेरे लोग तुझे पहला स्थान दे परमेश्वर, लोग अपने जीवन में प्रभु तेरे अपने मन से पूरी शक्ति से पूरे प्राण से प्रभु तेरे पीछे बने प्रभु, उस पवित्रता के खोजी हूँ प्रभु, जिसके सिवाय कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हम दुआ करते प्रभु हमें छू ले प्रभु, हमें नया बना परमेश्वर, नया बनना चाहते प्रभु, हम चाहते प्रभु सारी पुराने जीवन की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे भागना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं खुदा, हम सबको छू ले प्रभु, जो भी पुराना है हमारे जीवन से चला जाए परमेश्वर, आज तेरे लोग उस झूठ से आजाद हो परमेश्वर। परमेश्वर दुआ करते हैं परमेश्वर तेरे लोगों से तू बात कर प्रभु, ताकि अपने जीवन में मुझे वो पहला स्थान दे परमेश्वर, वो जान ले परमेश्वर प्रभु, अगर वो तुझे पहला स्थान देंगे, वो तुझे आदर देंगे परमेश्वर, तो अपने जीवन में वो ऐसे आश्चर्य कर्मों को देखेंगे जिन्हें उन्होंने कभी ना सुना ना कभी देखा खुदा। आज हम दुआ करते प्रभु जो आशीषें लोगों के लिए तुमने ठहराई हैं वो उनके जीवन में पहुंच नहीं पाए परमेश्वर, आज हर एक जन के मन को तू छू ले परमेश्वर और तुझे चंगा कर परमेश्वर। आज हम चंगा होना चाहते हैं तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु, हमारी शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध होना चाहते हैं परमेश्वर, हमारी मदद कर खुदा, हम तेरी नजर में सही होना चाहते हैं, हम तेरी खोजी बनना चाहते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं तेरा नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, और हमसे तेरी महिमा हो पाए, हमसे तेरी महिमा हो पाए। आइए जिंदा खुदा को हम जोरदार तालियों का